मोदी प्रधानमंत्री बने तो कर्नाटक में नहीं रहने वाले हो, छोड़ करके कहीं और जाने वाले हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप चिंता मत कीजिए, मैं गुजरात में आपकी पूरी व्यवस्था करूंगा। आप ओल्ड एज होम में रहना चाहते हैं तो वहां। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इसी की धरती के संतान, किसान पुत्र श्रीमान देवेगौड़ा जी जब भी दिल्ली में आए, उन्होंने जब भी मेरा समय मांगा मैं उन्हें मिला। और इतना ही नहीं, जब वो मेरे घर आते हैं तो मैं दरवाजे के पास जाकर के उनकी गाड़ी का दरवाजा खोल करके उनका स्वागत करता, और जब जाते हैं तो दरवाजे तक जाकर के उनको गाड़ी में बिठा करके छोड़ के आता। राजनीतिक दृष्टि से वे हमारे विरोधी विचार के हैं, वे हमारी जम करके आलोचना करते हैं, पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन मैंने सुना कांग्रेस के अध्यक्ष चुनावी सभाओं में आज से 15-20 दिन पहले जिस प्रकार से आदरणीय देवेगौड़ा जी का उल्लेख कर रहे थे, क्या ये आपके संस्कार है? क्या ये अहंकार?